धौलपुर जिले की सोनी का गुर्जर थाना पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रामब्रज गुर्जर को गिरफ्तार किया। डकैत पर 5,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने सोहन बाबा के जंगलों से अवैध हथियार समेत डकैत को धर दबोचा। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस पर पथराव कर आरोपियों को भगाने का आरोप था। बारा के कस्बा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कस्बे के बमनगवा रोड सहराना विद्यालय के पीछे 16 साल के बंटी बंजारा की हत्या का आरोप है। राजाघर के जंगलों से 3 नवंबर को बरामद हुआ था शव। प्रथम दृष्टया ये आ गया है, ये आरोप साबित हो गया है, साक्ष्य का संकलन भी हो गया है, जिससे और वो कड़ा उसको वापस दे दिया जिसको पाइजेब दिया था। तो पाइजेब ले गया, कड़ा उसको दे दिया गया। हमने उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, वो भी अफसान में स्वीकार किया गया, ये तो देखे गया था ये बातें। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये सारी चीजें होगी, इसका बड़ा प्लस है करने में हमारी पुलिस का जो योगदान है कि जिनमें भी कर्मचारी अधिकारियों ने किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पीपलकोट उपखंड मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 56 पर बड़ा हादसा। रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते 2 ट्रॉले आपस में आमने सामने टकराए। हादसे के बाद रोड पर लगा लंबा जाम। करौली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी बाइक को टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत। चिकित्सालय में उपचार के दौरान तोड़ा दम। गदका की चौकी के पास की घटना। मोटरसाइकिल सवार जो गंगापुर मोड़ पर पेट्रोल पंप है उस पर नौकरी करते हैं, वो इधर से जा रहे थे और कैला देवी साइड की तरफ से गंगापुर मोड़ की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे थे। जो ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने मोटरसाइकिल वाले ने एक्सीडेंट कर दिया, जो घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची थी। घायलों को अस्पताल करौली लेके आए थे। घायल चतुर्भुज का इलाज जारी है। भरतपुर में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 3 घायल। कोहरे के चलते भिड़ी दोनों बाइक। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 1 बच्चे की मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार मारुति वैन ने बच्चे को टक्कर मार दी। डूंगरपुर क्षेत्र की सरकन घाटी में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में एक बिहार के कारीगर की मौत। मृतक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.5 महीने पहले 40 बिहारी मजदूरों के साथ काम पर आया। भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। इस हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के बौली में सड़क किनारे मिला किशोरी का शव, साथ में गंभीर हालत में मिला एक युवक। नादौती थाने पर दर्ज है किशोरी के अपहरण का प्रकरण। प्रथम दृष्टया जहर खाकर सुसाइड का बताया जा रहा मामला। गिडवाना उपखंड के पालोड गांव के खेतों में एक पेड़ पर फंदा लगाकर झूलता मिला युवक। कल ही गोविंदराम के परिजनों ने अपहरण की आशंका का मामला गिडवाना थाने में दर्ज कराया। गदसिंहपुर में कड़ाके की ठंड में एक किराने की दुकान में बीती रात अचानक आग लगी। शहर की बिजली आपूर्ति बंद कर दमकल की मदद से आग को बुझाया। सीकर के फतेहपुर में घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा। ट्रेलर और रोडवेज बस में भिड़ंत। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। पिलानी थाना इलाके के खेलड़ा गांव के पास बड़ा सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।